केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के शव को एम्बुलेंस से रुद्रप्रयाग जिला भाजपा कार्यालय लाया गया, जहां पार्टी कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वहीं शैला रानी रावत के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। बता दें कि बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गमगीन माहौल में शैला रानी रावत के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यह अपूर्णीय क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। शैला रानी रावत एक कर्मठ नेत्री थी जिन्होंने हमेशा जन सरोकारों के साथ ही क्षेत्रीय के विकास की पैरवी की। उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। केदारनाथ क्षेत्र की विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी का शरीर शांत हुआ। बहुत लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी और बहुत प्रयासों के बावजूद भी उनको बचाया न जा सका। उनका इस तरह से असमय जाना एक अपूर्णीय क्षति है इस पूरे प्रदेश के लिए और ख़ास तौर पर रुद्रप्रयाग जनपद के लिए। रुद्रप्रयाग जनपद के सार्वजनिक जीवन के सरोकारों से उनका बहुत लंबा नाता रहा है, व्यापक अनुभव उनके पास रहा है और इस जिले के निर्माण से लेकर जिले के विकास तक की उनकी लंबी यात्रा रही है। उनके जाने से हम सबको गहरा आघात पहुंचा है। मैं परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही बड़ी क्षति उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई है कि शैला रानी रावत जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, उत्तराखंड के विकास के रास्ते में ले जाने के लिए, पहाड़ी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष किया है। जनजन की नेता थी, प्रिय नेता थी। दो बार केदारनाथ की विधायक बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरीके से बहुत ही आज हमारे माननीय केदारनाथ विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी का पार्थिव शरीर हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में पहुँचा। सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रीमती शैला रानी रावत जी का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। राजनीति क्षेत्र में लगभग 35 और 40 सालों का उनका अनुभव था और एक लंबी बीमारी के बाद परसों शाम को 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया। कल ठीक 11 बजे त्रिवेणी घाट काली मठ में उनके वहाँ पर अंत्येष्टि होगी। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि उस अंत्येष्टि में सभी लोग वहाँ पर